दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल इंटीरियर मास्टर को और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, ऑल का बटन दबाइए ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों फिर से वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल इंटीरियर मास्टर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं PVC सीलिंग की। जो आप छत देख रहे हो ये बिल्कुल प्लेन छत है। यहाँ पे पहले ऑलरेडी POP हल्की POP का डिज़ाइन बना हुआ था, इसको हटा के हम यहाँ पे करने जा रहे हैं PVC सीलिंग। और हम इसमें स्टेप टू स्टेप आपको सब कुछ बताएंगे किस तरह से सीलिंग होती है, क्या खर्चा होता है। बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल इंटीरियर मास्टर को सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए दोस्तों ये छत है, बिल्कुल प्लेन छत थी। प्लेन छत पर यहाँ पर हम करने जा रहे हैं जाल बांध रहे हैं यहाँ पर PVC सीलिंग करने के लिए। पहले हम लोगों ने यहाँ पे चारों तरफ एल पत्ती लगानी होती है। देखो जो बॉर्डर है उस पर एल पत्ती लगती है, एल पत्ती के बाद स्पोर्ट लगती है। स्पोर्ट के बाद दोस्तों देखिए ये बन चुका है हमारा यहाँ पे कंप्लीट जाल। ये देखो एक हमने जो डिज़ाइन बनाना है यहाँ पे, डिज़ाइन के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टील या लोहे का या फिर एल्यूमिनियम का एक जाल बनाना पड़ता है। जाल बनने के बाद फिर हम इसके ऊपर PVC सीलिंग लगाते हैं। जाल हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक डिजाइन बनने वाला है यहाँ पे अप डाउन जाल डिजाइन के हिसाब से ये हमारा जाल कंप्लीट हो चुका है। जाल कंप्लीट के बाद दोस्तों हमारा जो तीसरा स्टेप या दूसरा स्टेप जो आता है वो आता है हमारा वायरिंग का। ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जाल हमारा लगभग बिल्कुल कंप्लीट जाल है। आफ्टर जाल हम लोग यहाँ पे करेंगे वायरिंग। ये जाल आप देख रहे हो, देखिए ये अप डाउन जो आप बॉर्डर देख रहे हो, बॉर्डर हमारा अप जाएगा और सेंटर हमारा डाउन जाएगा। उसके बाद जो बिल्कुल बीच वाला जहाँ पे पंखा वहाँ पे हमारा फिर अप जाएगा। अब ये हमारा इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत होती है लाइटिंग की, जहाँ लाइट चाहिए है जिस जिस एरिया में डिजाइन के हिसाब से जो जहाँ पर हमारी लाइट कटने वाली है वहाँ पर हम छोड़ेंगे वायरिंग। कंप्लीट वायरिंग होने के बाद उसके बाद हमारा PVC पैनल इसके ऊपर लगाया जाता है। ये देखिए दोस्तों पूरे जाल में आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत है लाइट की वहाँ पे हमने ये फ्लेक्सिबल पाइप के साथ यहाँ पे वायरिंग कर दी है। और जहाँ पे लाइट काटनी है वहाँ पे इसको हम लाइट काटने के बाद नीचे हम निकाल लेंगे। ये देखो दोस्तों वायरिंग के बाद हमारा यहाँ पर PVC पैनल लगने जा रही है। देखो वाइट कलर का PVC पैनल, पहले सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो बॉर्डर है जो अप जाने वाला है, ये जो बॉर्डर है ये हमारा 20 इंच का बॉर्डर है। और जो हम अगर मैं रूम की बात करता हूँ, हमारा रूम का जो साइज़ है 17 फुट बाई 12 फुट का हमारा ये रूम है। इसमें जो सेंटर डाउन होने वाला हमारा बीच में, सॉरी सेंटर जो अप जाएगा वो जाएगा 60 इंच का, और जो बॉर्डर हमारा जो बनने वाला है ये बनेगा 20 इंच का। उसके बाद जो डाउन आएगा राउंड्स में वो हमारा आने वाला है 24 इंच का। ठीक है, इसी तरह से कि बहुत ही बेहतरीन डिजाइन बनने जा रहा है दोस्तों। ऐसे डिज़ाइन आप अक्सर बहुत कम दिखाई देंगे PVC पैनल में। ये वाइट, ओनली वाइट कलर में हम एक डिज़ाइन बना रहे हैं। ऐसे डिज़ाइन आप ज़्यादातर POP या जिप्सम में देखते हैं, और ये ऐसे डिज़ाइन हम लोग PVC सीलिंग में भी बहुत बेहतरीन डिज़ाइन बनाते हैं। अगर आपने भी कभी किसी तरह का कोई डिज़ाइन बनवाना है तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो। ये देखो दोस्तों ये सबसे पहले हमने एक बॉर्डर लगाया था। बॉर्डर लगाने के बाद जो नेक्स्ट हमने पैनल लगाना होता है जिसको हम एक ज्वाइंट कहते हैं, वहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए कुछ लोग यहाँ पे यू लगाते हैं या फिर एच लगाते हैं। हम लोग यहाँ पे ना यू लगाएंगे ना हम लगाएंगे एच। हम लोगों ने क्या करना, जो पैनल हमारा होता है पैनल को पीछे से हम छील के और इसको बिल्कुल प्लेन करके इसका बैक से निकाल के उसके ऊपर एल्फी लगा के, तो इसको हम यहाँ पर करेंगे जहाँ पर हमारा ज्वाइंट होता है वहाँ पर ज्वाइंट पेस्ट करके। ये देखिए दोस्तों ये यहाँ पर ज्वाइंट हमारा लड़का कर रहा है। ये देखो ज्वाइंट करने का सर ये दरअसल बेनिफिट क्या है, यहाँ पे एक बद्धा नहीं लगता। अगर हम यहाँ पे एक जोड़ लगाते हैं यू से या एच से वो अलग से ही दिखाई देगा। अगर हम इसको देखेंगे हमारा ज्वाइंट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बिल्कुल पेस्ट हो जाता है और यहाँ पे पता नहीं लगता। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, जिस तरह से हम पूरे बॉर्डर को लगाते हैं इसी तरह से हम बॉर्डर को लगाते जाएंगे। जहाँ जहाँ पे चारों कोने पर हमारा ज्वाइंट आएगा वहाँ पर हम इसी तरह से ये ज्वाइंट पैनल को पीछे से छील के तो ज्वाइंट लगा दिया जाता है, जिससे फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ जाती है और हमारा जोड़ का पता नहीं लगता। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से सारा के सारा हम लोगों ने ये बॉर्डर कंप्लीट कर देना है। आफ्टर बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद जो बीच का पैनल लगने वाला है, ये देखिए दोस्तों पूरा बॉर्डर हमारा कंप्लीट है और बीच में भी हमने जो 60 इंच के पैनल लगा रहे हैं वो भी हमारे लगभग लग चुके हैं। इसी तरह से दोस्तों
पूरे के पूरे जो 24 इंच का यहाँ पे हमने टोटल लगा देना, पूरी सीलिंग को हमने यहाँ पे कवर कर देना। कवर के बाद यहाँ पे लाइटिंग काट दी जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सीलिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट के बाद यहाँ पे लाइट जला के और पूरी सीलिंग को हम आपको एक बार फिर दिखाने वाले हैं। देखो दोस्तों, हमने जो 60 इंच का बीच में अप किया था उसमें हमने एक ब्लू कलर की स्ट्रिप लाइट लगाई है और चारों तरफ हम लोगों ने जहाँ पे भी ने वायरिंग छोड़ी थी वहाँ पे हमने वाइट लाइट की। देखिए फ्रेंड, जो हमारा बॉर्डर बना था 20 इंच का, उसके अंदर हम लोगों ने चार लाइट जो सेंटर्स में लगाई है वो लगाई है 12 वाट की, और चारों कोनों में हमने लगाई है 6-6 वाट की लाइट। और जो डाउन है हमारा 24 इंच का, इसके अंदर हमने जो जितनी भी लाइट लगाई है ये 8 लाइट हमने लगाई है 6 वाट की। इसी तरह से कंप्लीट हमारी जो लाइट बन जाती है 16 लाइट हमारी बनती है। और बीच में आप देख रहे हो बहुत ही प्यारा ये झूमर लग रहा है, और साथ में दो हमारे फैन झूमर के इर्द दो फैन हैं। तो ये फैन लगने के बाद और सीलिंग की लुक अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही सुंदर लुक हमारी बन चुकी है। इसी तरह से दोस्तों, कोई भी सीलिंग आप पीवीसी में कराना चाहते हैं, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और जो लाइट देख रहे हो स्ट्रिप लाइट्स, ये हमने लगाई मल्टी लाइट। इसमें हमने जो भी जैसी भी लाइट हमें चाहिए, इसमें हमारे पास ऑरेंज कलर मिल जाती है, येलो कलर मिल जाती है, ब्लू कलर मिल जाती है, ग्रीन कलर, 3-4 कलर से लाइट हमने लगाई है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।